हेलो एवरीवन, ये कंप्यूटर मीनिंग यानी ग्लोसरी का पार्ट थर्ड है। हम कंप्यूटर मीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको अगर कोर्स कर रहे हो ट्रिपल सी वगैरह का, ओ लेवल का, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास है सीरीज क्वेश्चन का, देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में पूछ रहा है कि सेकेंड जनरेशन क्या होता है। तो कंप्यूटर में पाँच जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है, ये सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, इसको आप टाइम पीरियड याद कर लेना क्योंकि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का क्वेश्चन पूछा करता है। 1955 से 1964 इसका टाइम पीरियड है। और सेकेंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जान लेना एक चीज की इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर, और इसमें जो सपोर्टेड लैंग्वेज था फोर्ट्रैन, कोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज होता था इसमें। ठीक है, सेकेंडरी की क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड जिनकी प्राइमरी की समान होती है उनको शॉर्ट करने के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। देखो, जो सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, या डेटा को आप परमानेंट स्टोरेज करना चाहते हो तो आप सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो। आपको पता होगा आप SSD का इस्तेमाल करते हो, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, CD का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सब चीजों का अब बात करते हैं। लिखा है सिक्योरिटी क्या होता है, यानी अनऑथराइज यूजेस से यानी टेम्परिंग से अगर कोई आपको डेटा आपके पास है तो उसको आप सेफ रखना, जो अनऑथराइज बंदे हैं उन लोगों से आप इसको सेव करना चाहते हो, यानी हैकर लोग से बचाना चाहते हो, उनके लिए हम इसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी शब्द। सिक्स टाइम क्या है, एक डिस्क सिस्टम में स्टोर किए गए डेटा को पढ़ना, यानी एक डिस्क सिस्टम में स्टोर किए गए डेटा को पढ़ना या लिखना, लिखने में जो प्रयोग रीड राइट वाला यूज मूव होता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। और सेगमेंट क्या होता है उसको समझो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। सेगमेंट यानी होता है फिजिकल रिकॉर्ड के फ्रेगमेंट को जो कि हायरार्किकल फैशन में अरेंज होते हैं, यानी हायरार्किकल मतलब जो कई कई मॉडल की बात हो, ठीक है ना, बहुत सारे मॉडल। यहाँ पे एक इसका मेन ब्रांच है, इस मेन ब्रांच से बहुत सारे ब्रांच निकल गए, इनको बोलते हैं हम लोग हायरार्की मॉडल। ओके, अब सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन का मैंने वर्चुअल मेमोरी यानी जो डिस्क स्पेस में होती है, जैसे हम हार्ड ड्राइव की बात कर, सॉरी हम गूगल ड्राइव की बात कर लें, ठीक है, इनको भी हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, या सर्वर की बात कर लें हम। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल लीनियर एड्रेस स्पेस इम्प्लीमेंट है जिसे पेजिंग से भिन्न माना जाता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट है सेलेक्ट क्या होता है, किसी मैटर को आप सेलेक्ट करते हो फिर उसको क्या करते हो, मूव करते हो, कट कॉपी पेस्ट करते हो, ये सब चीजें करते हो। नेक्स्ट क्या है, सेगमेंटेशन हो चुका। सेलेक्ट क्या है, टेक्स्ट भी हो चुका। सिमेट्रिक लेबल मॉडल क्या होता है, इसमें यह है कि स्टोर डेटा के अर्थ तथा इंटरप्रिटेशन से संबंधित डेटा मॉडल को बोलते हैं सिमेट्रिक लेवल मॉडल। सेमीकंडक्टर स्टोरेज क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस जिसके इंप्लीमेंट एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह होते हैं। ना सॉलिड की बात करें तो हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। अब बात करते हैं सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन तकनीक जिसमें रिकॉर्ड कुछ फील्ड की वैल्यू के क्रम में रखे जाते हैं, मतलब सीक्वेंस में रखना, एक क्रम में लगा करके किसी फाइल को, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे यानी बहुत सारे आइटम पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक प्रोसेस में काम करता है कि फर्स्ट ये हो जाए, फिर सेकेंड हो जाए, फिर थर्ड हो जाए, फोर्थ हो जाए इस मॉडल में। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियल एक्सेस क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस अथवा मीडियम जहां एक्सेस टाइम डेटा की लोकेशन पर निर्भर करता है, मतलब ये हो जाए कि डेटा का कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है उससे रिलेटेड है सीरियल एक्सेस टाइम। ठीक है, सीरियल एडर क्या होता है, एक एडर जिसमें ऑपरेन की बीट्स एक के बाद एक करके आपस में जुड़ती जाती है। अच्छा, ऑपरेन क्या होता है उसको समझो, जैसे हमने कहा 1+2 क्या लगना है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड, ये जो नंबर होते हैं उनको ऑपरेंड बोलते हैं, और बीच में जो होता है ना इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या है सीरियल, सॉरी सर्वर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कि क्लाइंट के आदेश अनुसार मतलब जो निर्देश दिया जाता है काम करता है,
और ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है, ठीक है, दूसरे उद्देश्य पे, या सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजता है जो कि उनके द्वारा की गई रिक्वेस्ट होती है। मतलब सर्वर से हम कुछ भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और डेटा वहां से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी ऑथोराइज बंदा होगा वही कर पाएगा, ठीक है। रेडिक्स क्या होता है, एक मिनट, इसको मैंने डिस्कस कर लिया, वेट, ये भी डिस्कस हो चुका है। ये एक चीज है, देखो पेन क्या होता है, अगर पेन की बात करें तो हम लाइट पेन की बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट के ऑन स्क्रीन, या अगर हम लाइट पेन की बात करें तो वो भी पेन की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे पेन थोड़ा अलग होगा। देखो जब हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना होता है, तो हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन प्रेजेंटेशन को दिखाते समय एक इलेक्ट्रॉनिक पेन द्वारा स्लाइड पर ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी पेन का यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वैसे ही प्रेजेंटेशन शो कराने के लिए, ठीक है, इसका सेटिंग हम कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं पेन के माध्यम से। ये होता है पावर पॉइंट में। पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है, देखो कंप्यूटर के जो बाहर जितने भी डिवाइस होते हैं उनको कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस, जैसे क्या सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब कहलाते हैं पेरीफेरल डिवाइस। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा एंटरटेनमेंट, होम मैनेजमेंट, तो हॉबी जैसे कार्य करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, या जो कम खर्चीला जो छोटा कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ओके, पिको सेकेंड क्या होता है, एक सेकेंड का एक जो मतलब एक लाखवा, एक लाख करोड़ वाला भाग कहते हैं ना, 10^6 सेकेंड, ठीक है ना, इसको क्या लगना, पिको सेकेंड का टाइमिंग जो होता है 10^6। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा को डिस्प्ले करते हैं, एक कोई अगर नॉर्मल हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। पिक्सल क्या होता है, देखो पिक्सल किसी भी अगर हम इमेज की बात करेंगे तो देखो आपने नोटिस किया होगा, देखो जितना भी इमेज होता है हम लोग के पास ना, फोटो वगैरह, आप फोटो खींचते हो कभी उसको जूम करते हो तो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि वो बीच में से खराब हो गया यानी फट गया। तो देखो फोटो जो होता है वो पिक्सल से बना होता है ना, कैसे इसे कहते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं डॉट पर इंच। अगर ये जब इसको जूम करते हैं तो जो डॉट का जो कई डॉट होते हैं उनके बीच का जो स्पेस दिख जाता है उसे कहते हैं कि वो पिक्सल खराब हो गया यानी वो पिक्चर खराब हो चुका, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मैंने डिस्कस कर लिया है कि अगर हम प्लेस होल्डर की बात करें तो पावर पॉइंट की बात करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो पहला पेज हमें मिलता है, लिखा होता है टाइटल, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक वहां लिखा होता है, और जैसे ही हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो प्लेस होल्डर हट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटपुट को ग्राफिक्स और हार्ड कॉपी के रूप में बदलती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पॉइंटिंग क्या होता है, देखो सेल को, सेल पॉइंटर को मूव करना अथवा सेल मेनू चॉइस करना, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग। पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, प्रिंटर ओरिएंटेशन जिसमें प्रिंटर लगा होता है, डायमेंशन को ही प्रिंट करता है। देखो पोर्ट्रेट में दो चीज होता है, इसको बोलते हैं सीधा, ओरिएंटेशन को बोलते हैं, एक मिनट वेट, क्वेश्चन आता है कि ओरिएंटेशन के अंतर्गत क्या आता है, तो ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट यानी जो सीधा पेज होता है, एक होता है इस तरीके से प्रिंट होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ओके, नेक्स्ट, पावर पॉइंट एनिमेशन प्लेयर क्या है, देखो पावर पॉइंट एनिमेशन प्लेयर जो होता है समझ लो थोड़ा सा, इंटरनेट पर एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए वेब ब्राउजर के साथ काम करने वाला एक एड ऑन प्रोग्राम होता है, ठीक है। पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पावर पॉइंट में बनाई गई कोई शेप अथवा ग्राफ पिक्चर जिसपे असली जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट से पावर पॉइंट के फॉर्मेट में बदल सकते हैं, जिसे ऑटो शेप को आप बना सकते हैं और क्लिप आर्ट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये है कि कोई भी इमेज आप इसमें पावर पॉइंट में इंसर्ट किया, आपने क्लिप आर्ट इंसर्ट किया, उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं पावर पॉइंट व्यूअर क्या होता है, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, संबंधित स्लाइड का समूह जिसे आप पावर पॉइंट द्वारा बना सकते हैं। देखो हमने पहले बताया कि पावर पॉइंट के पेज को बोलते हैं स्लाइड, ठीक है ना, तो स्लाइड पे ही हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कोई भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस क्या होता है, नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से जो हम देते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम क्या होता है,
एक सॉफ्टवेयर जिसपे एक एप्लीकेशन होता है जिसपे सूचना, ग्राफ, बुलेट, लिस्ट इन सब चीजों को डिजाइन किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम। प्राइमरी क्या की क्या होता है, देखो डेटाबेस का जो पहला पहला कॉलम होता है जिसमें सीरियल नंबर होता है या रोल नंबर भी हो सकता है, नेम को भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, प्राइमरी की उसको बोलते हैं फर्स्ट वाले सेल को। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सीपीयू का एक भाग जो प्रोसेसिंग के दौरान प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट और आउटपुट सूचना को रखता है, इसे प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है, रैम, रोम और रजिस्टर कैश होता है, ठीक है। प्रिंट रेंज क्या होता है, एक्सेल को प्रिंट करने के लिए बताई गई रेंज एक सेल रेंज अथवा रेंज की लिस्ट प्रिंट रेंज हो सकती है। देखो चीज ख्याल रखना, एक्सेल में जब हम प्रिंट करते हैं किसी डेटा को तो हम यूज करते हैं प्रिंट एरिया का, किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करके, अगर मान लो ये पूरा एक्सेल है, अगर हमें केवल डेटा यहाँ का प्रिंट करना है तो इसको सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करके केवल ये प्रिंट हो गए, बाकी ये मैटर बाकी के नहीं प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करके उसका रेंज भी सेट कर सकते हैं। अब बात करें प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और आपको बताओ होगा ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर जो काम करते हैं स्ट्रोक बेस पे काम करते हैं, यानी प्रहार करते हैं, जिससे हथौड़ा होता है, ठीक है, स्ट्रोक बेस पे प्रिंटर काम करता है। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, करेक्ट, एक होता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर भी उसके अंतर्गत होता है। अगर हम नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है इंकजेट और लेजर वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखा प्रिंटर कंट्रोल कोड क्या होता है, तो एक आउटपुट सॉरी प्रिंटर सेटअप स्ट्रिंग में प्रयोग होने वाला कोड, ये कोड एक प्रिंटर से दूसरे में अलग होते हैं, प्रिंटर कंट्रोल कोड। प्रोसेसर क्या होता है, देखो प्रोसेसर के अंतर्गत समझना थोड़ा सा, कंप्यूटर सिस्टम की एक यूनिट जो निर्देश को इंटरप्रेट करके एक्सक्यूट करती है, ठीक है, इंटरप्रेट करेगी, एक्सक्यूट करेगी। प्रोग्राम का मतलब क्या हो जाता है, सीक्वेंस, मतलब कहते हैं ना कि एक सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं या सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का सेट कह सकते हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाला या डिजाइन करने वाला या टेस्ट में या उसको सीक्वेंस में अरेंज करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वह लैंग्वेज जो एल्गोरिथम को इस प्रकार एक्सेस करती है ताकि कंप्यूटर से समझ सके, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह रोम का पार्ट है, ठीक है। प्रमोट क्या होता है, टेक्स्ट की एक लाइन को पिछली लाइन की अपेक्षा कम में इंडेंट करना जिससे उसके महत्व का लेबल बेहतर दिखाई दे। तो प्रमोट का मतलब क्या होता है, आपको बताइए होगा किसी चीज को प्रमोट करना, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया गया एक अथवा अधिक सिंबल जिसके द्वारा कंप्यूटर यूजर को यह बताता है कि वह कंप्यूटर इनपुट लेने के लिए तैयार है। डॉस प्रॉम्प्ट एक डिस्क ड्राइव डिजिग्नेटर और राइट एरो है। जैसे देखो प्रॉम्प्ट की बात करें तो हम बात करें कमांड की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं CMD, ठीक है। और ये क्या होता है, डॉस होता है, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको CMD के नाम से भी ओपन करते हैं। और इसमें जो मेन चीज क्या होता है, सी लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पर बना होगा आपको पता होगा कॉलम, और यहाँ होता है ये स्लैश, ठीक है, इसको कौन स्लैश बोलते हैं आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये वाला जो स्लैश होता है इसको हम किस स्लैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो दो तरह का स्लैश होता है, एक ये स्लैश और एक ये स्लैश, तो आपको कौन सा बताना है, ये वाला, इस स्लैश को हम किस नाम से जानते हैं, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, कोई वर्कशीट है हमारे पास उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हम प्रोटेक्ट का यूज करते हैं। पब्लिशर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट को बताता है जिसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रखना चाहते हैं। जब कभी भी पब्लिशर बदलता है तो प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट भी बदल जाते हैं। देखो पब्लिशर एक ऑप्शन होता है जिसे ब्लॉग वगैरह होता है, तो मेन कंटेंट अगर कोई बंदा चेंज करेगा, ठीक है, पब्लिशर चेंज करेगा तो वहां पे मेन जहां पे प्रिंट कर रहा है एक ओरिजिनल कंटेंट, तो ओरिजिनल कंटेंट चेंज करेगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा। क्यूरी क्या होता है, डेटाबेस को क्यूरी करना वास्तव में इसे पूछे गए प्रश्न होते हैं। जब आप डेटाबेस से क्यूरी करते हैं तो आप सिलेक्शन एरिया से विशेष प्रकार का काम करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट भाग को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है एनआईसी कार्ड। एक चीज ख्याल रखना, एनआईसी कार्ड क्या होता है, देखो हम मोबाइल में वाईफाई इस्तेमाल कर लेते हैं, मोबाइल से लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं, ये कैसे यूज हो जाता है, कैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है जान लो। लैपटॉप या कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड लगा होता है जो सिस्टम को पहचान दिलाता है। एक और चीज, सिस्टम में जब हम नेट नहीं चला पाते हैं, जैसे वाईफाई वगैरह नहीं यूज हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, लैंड ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है वाईफाई ड्राइवर, ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा नेट भी चलने लगता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा है एनआईसी हो गया। निबल क्या होता है, 4 बिट ये सिंबल की बात, सॉरी यूनिट की बात हो रही मेमोरी की, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। नोड क्या होता है, कंप्यूटर में जो बहुत सारे ब्रांच होते हैं, देखो ये कंप्यूटर है मान लो, ठीक है एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, इस चीज को बोलते हैं नोड, या क्लाइंट भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं इनको, नोड 1 नोड 2। ओके, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, इसके अंदर थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, जिसे मैंने बताया एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस मीडियम जो अंदर के कंटेंट को पावर की अनुपस्थिति में भी सुरक्षित रखता है, मतलब नॉन वोलेटाइल, जिसे हम बात करें तो रोम की बात करेंगे। नोट्स मास्टर क्या होता है, यानी किसी भी अगर प्रेजेंटेशन आपने लिखा है तो उसका मेन इस पे ना लिख करके आप, यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा इसमें आप लिख देते हो उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नट्स क्या है, NUDG, बहुत थोड़े प्रीफ सेट इंक्रीमेंट के साथ स्लाइड पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट मूव करना, इसको बोलते हैं नट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपकी ड्राइंग का एक सिंगल कंपोनेंट, आप ड्राइंग और ऑटो शेप टूल बार का जब इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है आप दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात। ओके, ये रहा वीडियो का एंड। अगर आपको ये इस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल वाला जो आपको दिखता है बटन, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके।